हेलो एवरीवन, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर मतलब कंपनी ने जितने शेयर पब्लिक में इशू किए उससे कम शेयर के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन का मिलना, इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हो रहा है उस समय अकाउंटिंग प्रोसेस हम जो करेंगे या जो जर्नल एंट्रीज करेंगे वो कितने शेयर के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन आया उस पे किया जाएगा, ना कि कंपनी ने कितने शेयर पब्लिक में इश्यू किए उस पर। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की स्थिति में एक कंपनी अपने शेयर तभी अलॉट कर सकती है जब कंपनी ने जितने शेयर मार्केट में इशू किए उसके 90% के बराबर पब्लिक से एप्लीकेशन मिला हो। अगर 90% से कम के लिए एप्लीकेशन मिल रहा है पब्लिक से, तो उस स्थिति में कंपनी अपने शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू, और यह अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, इससे कम के लिए एप्लीकेशन आया, तो कितना तक आएगा तो पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर पाएगी? 90%, 10,000 का 90%, यानी 9,000 शेयर के लिए कम से कम एप्लीकेशन आएगा तो ही कंपनी आगे शेयर अलॉट कर पाएगी। अगर 9,000 से कम शेयर के लिए एप्लीकेशन आएगा, सपोज 8,500 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया पब्लिक से, या 8,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया पब्लिक से, उस स्थिति में कंपनी शेयर अपना अलॉट नहीं कर पाएगी। अब इसे एक सवाल बनाकर देखते हैं कि मान लिया कोई कंपनी है जितने जिसने अपने 60,000 शेयर इशू किए, 60,000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, 60,000 शेयर इशू किए ₹10 वाले, और एप्लीकेशन जो आया पब्लिक अप्लाइड फॉर 55,000 शेयर, 55,000 शेयर के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन आया, तो फिर कैसे क्या जर्नल एंट्री करेंगे? इसका जो इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, मान लेते हैं ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹4, और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल ही अंतिम कॉल है, ₹3, इस तरह से पैसा मांगा गया उस शेयर पे। तो कंपनी ने शेयर तो इशू किया 60,000, पर पब्लिक से जो एप्लीकेशन आया कितने शेयर के लिए आया? 55,000 शेयर के लिए। तो हम 60,000 शेयर पे एंट्री नहीं करेंगे, 60,000 शेयर पे हम जो जर्नल एंट्रीज करेंगे वो कितने के पर करेंगे? 55,000 शेयर पे करेंगे। कैसे करेंगे पता ही आपको, फिर भी एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा लेने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, तो 55,000 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1,65,000, है ना, 1,65,000। क्या किया हमने? 60,000 मल्टीप्लाई 3 नहीं किया, चूंकि एप्लीकेशन कम के लिए आया, 55,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, तो हम 55,000 से, क्या बताया था अभी हमने कि अंडर सब्सक्रिप्शन वाले स्थिति में हम जो अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे कितने के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन आया उस पे किया जाएगा, ना कि कितना शेयर पब्लिक में कंपनी इशू की कर रही है उस पर। तो भाई कितने के लिए एप्लीकेशन आया? 55,000 शेयर के लिए आया, तो हमने जो जर्नल एंट्री जो हम कर रहे हैं वो 55,000 शेयर पे ही कर रहे हैं, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ ₹3 ईच रिसीव्ड ऑन 55,000 शेयर, उसके हमने क्या करते हैं एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बताइए, शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,65,000। क्या क्या एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे है 4 रुपया पर शेयर, तो 55,000 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, 2,20,000। ठीक है, ये अलॉटमेंट का पैसा। बीन नरेशन, बीन अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ ₹4 ड्यू ऑन 55,000 शेयर। और फिर ये अलॉटमेंट का पैसा लेने का एंट्री, क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 2,20,000। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और इसके बाद एक कॉल बच गया, फाइनल कॉल, उसका एंट्री। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 रुपए का, तो 55,000 मल्टीप्लाई 3, 1,65,000, 1,65,000। ठीक है, नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ ₹3 ड्यू ऑन 55,000 शेयर। और फिर ये पैसा ले लिया जाएगा, तो पैसा लेने का एंट्री क्या करेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,65,000। ठीक है, नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया जब अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब कंपनी ने जितने शेयर इशू किए उतने के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन नहीं आया, उससे कम शेयर के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन आया, उस स्थिति में जर्नल एंट्री करके देखा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।